या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बेमानी नहीं की अरे बेमानी नहीं की तो ये क्या किया तू? देख ये सांस सूंघने की जगह है ना, इसको फोड़ डालूंगा मैं। शंकर शंकर इधर आ। अरे कब से मैं तेरे को तपाश कर रहा हूँ। अरे क्या मुसीबत आ पड़ी? अरे मुसीबत वही भूख की जो दिन में 3 टाइम आ पड़ती है। भगवान की पूजा करो ना करो लेकिन पेट की पूजा तो करनी ही पड़ती। आइए। अबे होटल इधर है, खोली में कहाँ चला? भाई साहब आज पूजा खोली में होगी। आइए। ये वैजंती माला है? अबे छोड़, इसे खाना लिया, भूख बड़े जोर की लगी है। अच्छा हाँ, अभी आ गया। ऐ शाबाश। हाय क्या पोरबंदरी खुशबू है यार। ग्रैंडफादर के जमाने में ये खुशबू आया करती थी जो आज आ रही है। राजा मुझे तो इसमें जुए की बुआ दिया है। यार जुआ और मैं, ये जुआ और ये मैं, इतना तो फासला है बीच में। अच्छा अच्छा छोड़े बात होंगे यार, ले बटाटे बड़े खा ला। कितना मजेदार है ना। अरे अच्छा असली घी का इसलिए हजम नहीं कर पाया क्या हुआ? पानी 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 ले यार, पानी पी। अरे क्या हो गया तुझे? हो गर्मी हो रही है। अच्छा अच्छा खाना नहीं खाया लेकिन गर्मी जरूर खा गए आप। घबराइए नहीं घबराइए नहीं। अरे मैं पंखा चलाता हूँ, अपने घर में तो पंखा भी है। यार के लिए क्या नहीं करूंगा। ले ले कितना ठंडा है। तूने मुझे हराम का खाना क्यों खिलाया? शंकर तू मुझे हराम का खाना खिला देता लेकिन लाफा क्यों मारा मुझे? मैं तुझे जान से मार दूंगा। शंकर शंकर छोड़ मुझे, ये बंबई है।
ये तूने अच्छा नहीं किया, मैं भी देख लूंगा। शंकर भैया, होटल बंद हो रही है, खाना नहीं खाओगे? भैया राजा नहीं आया है, उसे आने दो, मैं मंगवा लेता हूँ। अच्छा, हट गया। शराब पिया है मेरा भाई है। कौन है, कौन शराब पिया है? शंकर, कहाँ है वो शंकर? मेरे को लाफा मारा है, मैं उसकी नड़ी तोड़ दूंगा। राजा, क्या हो गया तुझे? छोड़ मुझे। शंकर, तू मेरे को राजा बोलता है प्रजा होकर? मैं राजा हूँ, मुझे राजा साहब बोल। दारू पीकर आया? हाँ। क्यों? अगर मैं दारू नहीं पीता तो तेरे को लाफा कैसे मारता? तूने मुझे मार लिया ना राजा, अब तो ठंडक पड़ गई। नहीं, और भी आग लगी है। तो ले और मार, लेकिन तुम सो जाओ राजा साहब। नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, मैं सबको मारूंगा जो मुझे राजा साहब नहीं कहेगा, मैं उसे जड़ से मार दूंगा। राजा, सो जा राजा। राजा साहब, चाय पी लो। मेरा सर। शंकर, शंकर उठ, चाय आ गई, चाय पी ले। मैं नहीं पीता। तू नहीं पिएगा तो मैं कैसे पीऊं? मैंने तेरा हाथ पकड़ा है। यार मुसीबत तो ये है ना कि तेरे बगैर चाय गले से उतरेगी नहीं। रात दारू पी के मारते वक्त ये बात नहीं सोची? मैंने तेरे को मारा? बड़ा भोला बनता है, जैसे कुछ पता नहीं। शंकर, तेरी कसम, मुझे कुछ पता नहीं। रात भर शराब पीकर मारा मारी करना और सुबह उठ के पछताना, लानत है ऐसी जिंदगी पर। इसमें लानत की क्या बात है, जुए और शराब का तो मेल है राजा साहब। शंकर, क्यों ऐसे जूते मार रहा है जो दिल पे लग रहे हैं? अगर मारना है तो दो चार लाफे ही मार ले। मेरी क्या मजाल है कि मैं राजा साहब पर हाथ उठाऊं? शंकर, शंकर वो जो शराबी राजा था वो रात ही को चला गया, तेरा दोस्त सामने खड़ा है, माफ करना है तो माफ कर दे, नहीं तो मैं बंबई छोड़ के चला जाऊंगा। शंकर, शंकर, अरे वारे काली टोपी, बाजा तो बड़ी जादूगरी से बजाता है, और बजाना। कौन है तू? मैं चंपा, खिलौने वाली। अरे बजाना, तेरे को एक खिलौना दूंगी, बजा। खिलौना देके बहलाएगी? अरे जा, काट लूंगा जवान। टैक्सी बाबूजी? वो नहीं, आप ही से हुई बाबूजी, मेरे पास छुट्टा नहीं है। ये अठन्नी तो तेरा इनाम है लड़के। लड़कपन में जो नाम लेते हैं बड़े होकर रिश्वत देने लग जाते हैं बाबूजी, अपने नहीं चलेगा, अपना तो धंधा सिर्फ धोनी का। ठीक ही तो कह रहा है, चलिए। सलाम मेम साहब, जाने दीजिए। उठाई से, उसे उठा, चल चल, डाल दे से, समझी? ओ काली टोपी, अरे वारे,
आया। वाह है जुल्मी, नाचती तो तू भी बड़ी जादूगरी से है। और नाच? अरे जाजा बड़ा आया नाच देखने वाला, ये ले तेरी दोनी। भगवान कसम एक नहीं दस दोनी और दूं। एक थोड़ा और नाच दे। अरे जा पहले मुंह धोकर आ। क्या नाम है तेरा? नाम से तेरे क्या काम? अरे दोनी कहाँ भेजूंगी? मनी ऑर्डर कर दीजियो। हाय मारता चुगली। शोकर तीन बादशाह तीन रानियां पिट गई। ये रानियां नहीं पीटी, किसी का इशक जोर मार रहा है राजा भैया। इशक? क्या बात करता है यार, इशक तो अपने ग्रैंड फादर ने भी नहीं किया था। ग्रैंड फादर बोले तो क्या? अरे बाप का बाप। छोकरी के बच्चे, मैंने भी तेरे को मजा नहीं चखाया, तो मेरा नाम रानी नहीं। भाई रस्ते में क्यों मारामारी करते हो, क्या बात है? देखो मेरे को ये छेड़ता है। छेड़ता है? क्यों बे, राजा के होते हुए रानी को छेड़ता है? चल हट, तूने तो आते ही मेरा हाथ थाम लिया। वाह 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 वाह, चोर का भाई गिरा कर। चल हट यहाँ से। अरे ये हंसता क्यों है? वो छोकरी ने धक्का मारा तो मुझे रोका क्यों नहीं? भाई कहीं रोको बे, ये बात है। हाँ हाँ ये बात है। हो गया, हो गया। लड़की को छेड़ता है। तुम घबराओ नहीं, मैं अभी उसको ठीक करके आता हूँ। अरे मैं उसकी नाक तोड़ दूंगा। मेरे खिलौने के पैसे कौन देगा? खिलौने के पैसे ये अपने को नहीं मालूम भाई। अरे मेरे खिलौने के पैसे तेरे को देने होंगे। अरे मेरे को कैसे देने पड़ेंगे भाई, अपन तो कड़का आदमी, अपने खिसे में कुछ पैसा नहीं। अच्छा नमस्ते। अरे तू रो रही है? अरे रो मत, अरे रो मत। छोकरी लोग की आंसू मर्द लोग के लिए रास्ते का समंदर बन जाता है। मत रो, चुप है, चुप है। बगैर पैसे लिए कैसे चुप हो जाऊं? अच्छा कितने पैसे लेंगी चुप रहने का? 8 रुपए, पूरे 8 रुपए के खिलौने थे। अगर तूने 8 रुपए नहीं दिए तो रो रो के समंदर बहा दूंगी। हाँ अच्छा सुन, अगर मैं तुझे 8 रुपए दूंगा तो तू खुश हो जाएगी ना? खुश हो जाएगी? चुगली बराबर बोलता था। क्या बोलता था वो? खैर कोई बात नहीं, जाने दे, तू यहीं ठहर, मैं अभी तेरे लिए 8 रुपए ले आता हूँ। चुगली 20 रुपए की सख्त जरूरत है, उधार देना। भैया ये उधार की पीढ़ी नहीं है, जुए की पीढ़ी है। उधार चाहिए तो नत्थू काका के पास जाओ। अरे नत्थू काका तो इसकी खमीस उतार लेगा। वो मेरी क्या खमीस उतारेगा, मैं उसकी खमीस उतार दूंगा। राजा भैया तुम्हें 20 रुपए चाहिए ना, तो तुम नत्थू काका की कमीज उतरवा दो 20 रुपए की शर्त। ये बात है? हाँ हो गई शर्त। हाँ हो गई, मिला ले। चल चल चंपी तू मत आना। काका नमस्ते। फिर आ गया तू? आज मैं तुझे जुए के लिए 1 पैसा नहीं दूंगा। तोबा तोबा तोबा, क्या बात करते हो काका, मैं तो जुआ छोड़े हुए 24 घंटे हो गए। फिर क्या काम है? काम दरअसल ये है कि एक कन्या जरा कष्ट में है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। अगर थोड़े पैसे मिल जाए तो आपकी मेहर। कन्या की मदद तू करेगा? रुपए मेरे से लेगा। जा जा धंधे का टाइम है, जा जा। जोशी ठीक कहता था। क्या कहा था जोशी ने? जोशी ने कहा था कि जिसका दिल काला है उसके पीठ पे भी काला दाग होता है। काला दाग होगा तेरे पीठ पर। काका तुम्हारे पीठ पे काला दाग है। मेरे पीठ पर काला दाग? हाँ लगती है 20-20 रुपए की शरत। 20-20 रुपए की? हाँ काका 20-20 की नहीं 10-10 की लगी, तुमसे क्या लेना है जास्ती। हो गई शरत? हो गई। तो फिर उठो, उठा निकालो जल्दी जल्दी काका, देर मत करो। अरे ये तो तेरी खमीज उतरी चुगली। चुगली आ जाओ। अरे रंग दमाल चुगली। काका ने कपड़े निकाल दिए। काका तुम्हारे पीठ पे दाग नहीं। अरे रे भाई, अरे नहीं शर्त तो तूने मुझसे लगाई और चुगली से पैसे ले रहा है? काका ये बात प्राइवेट है, मैं फिर कभी सुनाऊंगा तुमको। देखो ये तुम्हारे 10 रुपए तुम जीते और 10 रुपए मैं जीता और 20 रुपए चुगली हार। ए चुगली चुगली चुगली।
राजा, तू क्या समझी मैं नहीं आऊंगा? और क्या? तुझे 8 रुपए चाहिए थे ना? ले 2 रुपए जास्ती, ले ये 10 रुपए। तू भी क्या याद करेगी, किसी राजा से पाला पड़ा था। अरे अरे ठहर, तू इतनी जल्दी आ गई चंपा बिटिया? हाँ, ये बता कितने पैसे लाई? हाँ, देख यही बांधे होंगे बेटी। ये रहे चाचा, 8 रुपए मिले हैं। 8 रुपए? हाँ। अच्छा बेटी, यूं कर ले, ये तू रख, और इन सर्दियों में तू एक कंबल खरीद लीजो बिटिया। हाँ बेटी, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो चाचा। अरे बेटी, मैं तुझे अपनी बेटी रानी की तरह समझू हूँ। मैंने तुझे सदा औलाद की तरह पाला है बेटी। मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगा बेटी तो और कौन रखेगा? अरे वो रानी। अरे रानी बिटिया, तू भी आ गई? अरे आज तुम दोनों को क्या हो गया, इतनी जल्दी आ गई? क्या बात है बेटी? बात ये हुई बापू कि मेरे खिलौने पे द्वार में लड़ पड़े। हाँ? एक तो भाग गया और दूसरे को मैंने पकड़ लिया। पकड़ लिया? हाँ, और मालूम क्या हुआ, मेरे खिलौने के 2 रुपए जास्ती दिए उसने। 2 रुपए जास्ती दिए? हाँ। क्यों दिए उसने तुझे 2 रुपए ज्यादा? मेरे को क्या मालूम, उसने दिए मैंने ले लिए। देख बेटी, तू बड़ी भोली है, आजकल जमाना बड़ा नाजुक है, कोई किसी को बगैर मतलब 2 पैसे नहीं देता बेटी। तू कल के कल ही उसके रुपए लौटा के आ, समझी? अच्छा। है बेटी? हाँ। कौन था बता? नहीं बताती। हमसे भी छुपा रहे हो उस्ताद, पत्ता बराबर पिट रहा है और कहते हो इशक नहीं। भगवान कसम, हमें तो बता दो, किसी से कहेंगे नहीं। अरे तू और नहीं कहेगा, अरे तेरा नाम चुगली है, तू तो सबको कहेगा। अबे तू तो नींद में भी कहेगा सब लोगों को। अरे कहाँ जा रहे हो, पत्ते नहीं बांटोगे? चुगली भाई, माल खत्म हो गया, खीसा खाली है, जरा भर के लेके आएगा फिर खेलेगा। तो जाओ इससे लड़ा। अरे बताना, कहाँ मिला था तेरा 2 रुपए देने वाला? जहाँ मिला था वहाँ तो आज मिला ही नहीं। अरे तो पूछ लिया होगा कि कल कहाँ मिलना है। मैंने उससे मोहब्बत थोड़ी की थी जो पूछ लेती कि कल कहाँ मिलेगा, परसों कहाँ मिलेगा। आपके मिलेगा ना तो पूरे 1 महीने का हिसाब पूछ कर रखूंगी। हाँ, तो अब के मोहब्बत करने का विचार हो गया है। खैर जा, चाचा से कहूंगी ना तो मक्खी बना के दीवार पे चिपका देगा। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। ले, आ गया तेरा मक्खी बनाने वाला, दे जवाब। अरे जा, अपनी बला मेरे सर पे डाल रही है। अरे दे इसके 2 रुपये, बातें क्यों बनाती है? बातें तो तू बना रही है, अपनी आई दूसरे भाई। मैंने तेरे को नमस्ते किया। अरे हट मुए, मैं तेरे को कहे को पहचानू? क्यों रे, आज किसी और का बाजा सुन के आई क्या? एक दिन में आके फिर भी जाता है कि बुलाओ पुलिस को। चल हट यहाँ से, हट यहाँ से। देख लो मात्र। अरे देख देख, अरे उधर लाल पावन रखने। ओ मामा जाए। अरे अरे जा ना, अरे जा तो। एक काली टोपी, एक काली टोपी, एक काली टोपी। जरा सुनना। क्या है? अरे मैं उसके सामने तेरे को कैसे पहचानती? मैं तेरे को कहाँ पहचानता हूँ? अरे बाबा माफ कर देना। देख देख, मेरे को अकेले में तेरे से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? अरे तू पहले अपना गुस्सा तो दूर कर, फिर बताऊंगी। मारती है? माफ करना, मेरे से भूल हो गई। यही भूल एक बार फिर कर दो। बोले यार। अरे रानी, राजमार तो इधर इधर किधर किधर इधर इधर इधर, ये तेरे को ढूंढ रहा था। ये मेरे को? तो बे, तू मेरे को कब से ढूंढने लग गया? ये नाक फोड़ डालूंगा। हाँ, मैं तेरे को ढूंढ रही थी। हाँ, तू मेरे को? ठहर 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 ठहर, क्यों ढूंढ रही थी? ये कहता था बापू। बापू? ये बापू कौन है भाई? मेरा बापू। अच्छा तेरा बाप, क्या कह रहा था? कल तूने मेरे को 2 रुपए जास्ती दिए थे ना। हाँ? क्या समझ के दिया था? तूने क्या समझ के लिया था? ए है, मेरे को ये मालूम होता तू लेती काहे को। ले ये रख अपने 2 रुपए। हाँ? अरे रानी, अरे सुन तो। यारों का प्यार लिए नखरे हजार लिए, जाती है गोरी बुलाओ रे कोई। यारों का प्यार लिए नखरे हजार लिए, जाती है गोरी बुलाओ रे कोई। उलझे से बाल वाला, लाल लाल रुमाल वाला,
दे दूंगा जान मैं तो आज तेरी चाह में, देखो मैं लेट गया राह में। दे दूंगा जान मैं तो आज तेरी चाह में, देखो मैं लेट गया राह में। ना कोई लाज ना शर्म है निगाह में, ना कोई लाज ना शर्म है निगाह में। रस्ते का पत्थर हटाओ दे कोई, यारों का प्यार लिए नखरे हजार लिए, और जाती है गोरी बुलाओ रे कोई। मजनू का प्यार देखो लैला ठुकराए है, मजनू का प्यार देखो लैला ठुकराए है। लैला को मजनू बनाओ रे कोई। उलझे से बाल वाला लाल लाल रुमाल वाला, छेड़े है मोहे बचाओ रे कोई। फिर एक बार गोरी देख जरा फिर के, नखरों की भीड़ में मैं रह गया घिर के। फिर एक बार गोरी देख जरा फिर के, नखरों की भीड़ में मैं रह गया घिर के। थोड़ी सी दूर चला रुक गया फिर से, थोड़ी सी दूर चला रुक गया फिर से। छकड़े को मोटर बनाओ रे कोई, यारों का प्यार लिए नखरे हजार लिए, जाती है गोरी बुलाओ रे कोई। हाय उलझे से बाल वाला लाल लाल रुमाल वाला, छेड़े है मोहे बचाओ रे कोई। तू तो इतनी सुंदर बातें कर रहा है कि मेरा जी चाहता है तेरे पास ही बैठे। हाँ क्या करूँ, बहुत देर हो गई। अच्छा बेटा कब मिलेगा? कल मिलूंगा। मगर कहाँ? अरे यहीं। और सुन, हाँ अब हमेशा यहीं मिला करते। अच्छा मैं जा। किस दिल से कहूँ कि तू जा? अरे ऊपरी दिल से कहना, कल तो मैं मिल ही रही हूँ। अच्छा जा। ए ये हीरो हीरोइन क्या होता है? नहीं नहीं मेरी रानी कितनी भोली है। हाँ तेरे को समझाता हूँ। हाँ रानी हीरो है ना, हीरो एक बहादुर आदमी होता है। बैठ। और जैसे कि मैं। और वो दूसरी बात? दूसरी हीरोइन? हाँ। अरे हीरोइन वो लड़की होती जो हीरो लव करता है। लव है? बाप कब होता नहीं, होती है होती। ये लड़की होती है? हाँ मेरे लिए लड़की जैसे कि तू, और तेरे लिए लड़का जैसे कि तू। अब समझी? नहीं समझी। देख राजा ये तू है ना। हाँ। ये मैं हूँ। हाँ। इसमें क्या होता है? ओहो मैं तेरे को समझाता हूँ। देख कल तू मेरे को मिली थी ना। हाँ। उसके बाद अपने घर को गई ना। घर को जाने के बाद तेरे को मेरा ख्याल आया क्या? आया तो था। कैसा ख्याल आया था? अच्छा अच्छा आया। अच्छा अच्छा आया था। ए रानी देख, जब अच्छा अच्छा ख्याल तेरे को आया था तो तेरे दिल में मेरे लिए कुछ गुदगुद 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 सी हुई थी क्या? हुई थी। हाँ? हो रही है। अरे इसी को तो लव कहते हैं। लव चल अपन लव करेंगे। अरे अभी कैसे करेंगे? मेरे को देर हो रही है, मेरे को घर को जाना है। अगर बाबा को पता चल गया तो मेरे को मक्खी बना के दीवार पे चिटका देगा। ओ, तो तेरे को घर को जाने का है? हाँ। तो जा पीछे, फिर कभी मिलेगा। कल इधर ही इधर ही। अभी रोज अपन इधर ही मिला करेंगे। हाँ? हाँ। तुम्हें जा जा।
अरे जल्दी जाने तो तेरा बाप मेरे को भी मक्खी बना के दीवार पे चिटका देगा। जा जल्दी। चाचा, चाचा। क्या बात है, कोई कार्ड लाया? अच्छा अच्छा कार्ड लाया, ले जरा पढ़ तो सही। सुबह सुबह कोई अच्छी खबर सुनाइयो है। चाचा तुम्हारे बेटे जग्गू का कारण है। जग्गू का? हाँ चाचा। चाचा पढ़ क्या लिखा? कल जेल से छुटके घर पहुँच रहा है। है जेल से छुटके पहुँच रहा? अच्छा अच्छा जा जीता रहो। मेरा जग्गू आ रहा है। जग्गू आ रहा है। जग्गू तो अपने घर से बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा। अब किसी खैर नहीं भैया। जग्गू आ रहा, मेरी अब ये बेनती है वो ऐसी कोई हरकत ना करे। भगवान जय हो भगवान, तुम अभी तक यही विराजमान हो, अच्छे तो हो। कौन हो भैया? बापू मैं हूँ जग्गू। जग्गू बेटे तू कितना बदल गया है बेटे, कितना बदल गया है। तू तो कल्लाने वाला था बेटे। बाबू मुझसे इंतजार नहीं हुआ तो मैं चला। अच्छा तो है तू। हाँ बाबू। जेल से सुधर कर तो आया है। बाबू सुधर के आया हूँ। अरे बाबू मैं तो फौलाद होके आया हूँ। छोड़ दे बेटे। फौलाद होके आया हूँ। छोड़ दे बेटे। अब किसी का हाथ धर दूँ तो चक्कर भिन्नी कर दूंगा। तूने फिर मारपीट की बात शुरू कर दी जग्गू, इसी की वजह से तो तूने इतनी लंबी सजा पाई थी। तू सुधर कर नहीं आया जग्गू? बाबू मैं सुधर के आया हूँ। मैं अपने काम में इतना होशियार हो गया हूँ, बस तुम चिंता मत करो। हाँ बाबू मेरे एक छोटी बहन थी, कहाँ रानी कहाँ है? रानी बिटिया? हाँ। वो अब सियानी हो गई है बेटे, अब वो घर का सारा काम काज करती है। हाँ। यही बाजार खिलौने बेचने गई है। आजा अपने कल की जगह पे बैठ जा। अरे उधर भी कोई जोड़ा आ गया, अब क्या करें? अरे अपने को क्या लेना है, बैठ ही लेना तू। अरे उधर भी कोई बैठा है, चल भाग चल। अरे धरती काहे को है, बैठ ले लेना। हम लोग कब तक ऐसा छुप छुप के लव करते रहेंगे? क्यों तेरे को अच्छा नहीं लगता? अच्छा तो लगता है फिर, पर तेरे को नहीं मानू। देख जब लड़की किसी को चाहती है ना है? तो जिसको चाहती है ना हाँ, वो जिसको चाहती है ना वो चाहती है। हाँ, अरे कुछ बताएगी जी। तू समझता क्यों नहीं इसमें समझने की? कहीं तू शादी की तो बात नहीं कर रही थी? अरे पगली तो साफ साफ कह देना था ना। अरे इसमें घबराने की क्या बात है, दो तीन दिन में तेरे बाप के पास जाता हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और अपना एप्लीकेशन पेश करता हूँ। ये एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन ये यार ये अपने को भी नहीं मालूम है, लेकिन घबरा मत, मैं सीधा तेरे बाप के पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि बापू आपकी लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे दो। सच? मैं वादा करता हूँ। पता नहीं कौन झूठे वादों से लड़की को फंसा रहा है। वादे तो तू भी करता है, या तू भी झूठे वादे करता है? नहीं मेरे वादे कभी झूठे नहीं होते। सारी दुनिया के सामने मैं तुझे अपनी पत्नी बनाऊं। ये बाजू वाले चुप क्यों हैं, बोलते क्यों नहीं? ये लोग ये लोग आंखों आंखों में बातें करते होंगे। फिर नहीं मालूम यार फिर क्या हो? बताना। अरे ये तो मेरा ग्रैंडफादर भी नहीं जानता है, क्या बताना। अरे ग्रैंडफादर बोले तो क्या, बाप का बाप पांड्या, ग्रैंडफादर नहीं मालूम है? अरे मुझे रास्ता नहीं है जाना, इधर से खड़े हो। अरे राजा मेरे को छुपा। अरे ये छुपा कहीं? अपने घूंघट में छुप जा, अपने घूंघट में। अरे अरे ये छोड़ इसको, ये छुप जा और देख मेरे पीछे आ जा। अब तो मेरे पीछे छुप जाना, तो फिर छुप जा, छुप जा। कौन है? बारा मर्द का बच्चा होगा तो। अरे राजा साहब जरा घूंघट तो हटाइए। तो शंकर को शंकर 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 शंकर। अरे राजा। तो शंकर तू यहाँ क्या कर रहा था? घूमने को आया था मैं तो। किससे बातें कर रहा था? मैं किससे नहीं, मैं तो यार मेरे कुछ आदत सी हो गई, मैं खामखा बात करने लग जाता हूँ। अकेले था? हाँ अकेले था। तू किससे बात कर रहा था? मेरे को फिल्म कंपनी का शौक है ना, तो मैं डायलॉग याद कर रहा था। हीरो बनना? अरे हीरो बनेगा मेरा शंकर। शंकर मैं भी कॉमेडियन बनूंगा। अच्छा लेकिन देख अपने को घर को जाके ये डायलॉग याद करना चाहिए। घर को? हाँ इधर नहीं, जंगल में डायलॉग नहीं याद होता। चल चल घर पे जा। अरे हाँ ना यार शंकर रानी की ओर से गेट खुल गया।
देखो भाई एक बात है, ये भेद बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों? अगर ये भेद बाहर चला गया तो इसका बापू है ना, हम सब को मक्खी बना के दीवार में चिटका देगा। प्रॉमिस? यस। चलो कसम खाओ। हाँ। कसम खाओ। देखो ये बात बोलोगे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अरे चुगली, वो डांडिया कौन? वो चंपा है उस्ताद, देवकी की छोकरी जो मोटर के नीचे दबके मरा था। अबे भाग गिर दे दिया है तुझको नजराना समझ कर, गिर दे दिया है तुझको नजराना समझ कर। ए, क्या देखता है घूर घूर के? तुझको देखता हूँ। है तो बड़ी सुंदर। सुंदर हो तो तेरे बाप का क्या जाता है? दू एक हाथ दे, पर जाने का नहीं। चाचा बुला। चाचा और जोर से बुला। चाचा चाचा जा, अब के बाद छोड़ा दे रही हूँ। दोबारा हाथ पकड़ा तो फिर जिंदगी भर नहीं छोड़ने का है। अभी चपाती हूँ तेरे को मजा। चखा चाचा क्या क्या बात है बेटी? चाचा चाचा उधर को एक मवाली आदमी ने मेरे को छेड़ा। छेड़ा? हाँ, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। चल तो दिखा मुझे किधर है बेटी। वो उधर को है। उसकी हड्डी पसली तोड़ के एक कर दूँ। चल बेटी। कौन है वो मवाली मेरी बेटी को छेड़ने वाला? अरे जग्गू तूने इधर किसी चाचा ला... यही है वो मवाली छेड़ा। ये तुझे छेड़ा बेटिया? हाँ चाचा। तो इसे मैं ऐसी सजा दूंगा बेटी कि ये जिंदगी भर मेरी सहायता करते रहे। बिटिया मैं तुम दोनों का ब्याह कर दूंगा। बेटी ये मेरा लड़का जग्गू है। तुम बिटिया बस यही मेरी एक इच्छा है। जग्गू जग्गू तू इसे जिंदगी भर खुश रखना बेटी। इसे जिंदगी भर खुश रखना ना तुम। अब समझी? दिल दे दिया है तुझको नजराना समझ। बापू के मरने के बाद सड़कों पर ताला होता था। चाचा के उपकारों से इतना दबा दिया मुझे। अब मैं शंकर को क्या मुंह दिखा? नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। कौन हो? ये आपको मालूम हो जाएगा। पहले आप अपनी चप्पी करा लीजिए अच्छी तरह। भगवान ने मुझे पैदा किया है बुजुर्गों की सेवा करने के लिए। जीते रहो बेटे जीते रहो। क्या काम है? काम? मैं यतीम। रुपया पैसा इज्जत दौलत शौहरत सब कुछ है लेकिन माता पिता नहीं। इसीलिए मैं खुद आया हूँ रानी की शादी की एप्लीकेशन लेकर। समझा, तो तुम रानी बिटिया की शादी के लिए आए हो। लेकिन बेटे शादी का मामला इतना आसान नहीं। आखिर तुम धंधा क्या करते हो? जी मैं इधर का माल उधर और उधर का माल जेब में। अच्छा तुम शराब तो नहीं पीते बेटे? एक बार पी थी अपने दोस्त को मारने के लिए। नहीं मेरा मतलब है तुम्हें दारू वारू पीने की आदत तो नहीं? हाजी साहब रोटी खाने की भी आदत नहीं, भगवान की कृपा से वो भी कई दिन तक नहीं मिलती। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि कामकाज में जरा ज्यादा मशगूल रहता हूँ ना, इसलिए खाने की फुर्सत नहीं। अच्छा साहब काशी यात्रा के लिए जा रहे हो? हाँ। अच्छा अच्छा फिर बिल्कुल नहीं घबराओ, मेरा जवाब नामे नहीं का। अपना काम बन गया। अभी चाचा ने तो मुझे जल्टनमैन समझ लिया था। जल्टनमैन? अरे राजा चाचा को जुए पे लगा दिया क्या? अभी नहीं, चाचा ने रानी की शादी मुझसे करने के लिए हाँ कह दिया है। हाँ। रानी के साथ? हाँ। अबे देख अगर तूने चाचा से कह दिया कि मैं जुआरी हूँ तो ये जो सूंघता है ना हवा उसका फट डालूंगा मैं। नहीं नहीं राम 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 भगवान, पेट में फिर दर्द उठ रहा है, इसे कैसे हजम करूं? ये नहीं हो सकता। किस बात का भारा लिए खड़ा है? बोल क्यों नहीं देता? चाचा बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? कि हजम भी नहीं कर सकता और उगल भी नहीं सकता। देख चुगली बात के मामले में तेरा हजमा बड़ा कमजोर है। हाँ। अब उगल देना चाचा।
जब एक जुआरी से ही रानी का ब्याह कराना है तो मुझमें कौन सी कमी है? भगवान कसम सारी जिंदगी उसे सुखी रखूंगा। खबरदार, अगर तूने रानी से शादी का ख्याल किया उसके लिए मैं अपनी पसंद का लड़का तय कर चुका हूँ। यही तो रोना है चाचा, वो जुआरी है, सड़कों पर जुआ खेलता फिरता है। तेरे कहने से मैं उसे जुआरी मान लूंगा? उसकी छानबीन मैं खुद करूंगा, समझा? और अगर दोबारा तूने रानी से शादी का ख्याल किया तो तेरी हड्डी पसली एक करवा दूंगा। नहीं, नहीं, चल निकल यहाँ से, निकल। तुम्हारी मर्जी चाचा। हे भगवान, काम नहीं बना ना सही, पेट का अफारा तो निकल गया। अफारे का बच्चा, चुगली की बच्ची। चाचा को जुआरी बोलता है, वो जुआरी कभी नहीं हो सकता। जुआरी नहीं तो और क्या है, मेरे साथ चलकर खुद देख ले, हाथ कंगन को आरसी क्या? झूठ हुआ तो तो 2 बरस की फांसी दे दे मुझे। फांसी की बच्चे, चल दिखा मुझे। चल, चल। हे मौला, भेज किसी को। यही है ना तेरा राजा? बेचारा जुआ खेलने के लिए तड़प रहा है। चल हट, तू झूठ बोलता है। नहीं मानती तो यहीं छुप जा और देख अपने राजा नल का तमाशा। नमस्ते राजा भैया। हाँ नमस्ते जिगरी भैया, आइए आइए। आज अकेले ही अकेले बात ली, अब कड़की है क्या? अब मालपनी चाहिए तो दूं। अबे कड़की होगी तेरे बाप को, पैसे है तो आजा, हो जाए। ए, बाप तक मत जा, हो गई। 5 रुपए छक्का बाहर, अंदर बाहर। क्या करता है ये? अंदर ये, अंदर ये, देख निकाल 5 रुपए। ए लागा जाता का दूसरा गाँव। ये चुगली अपने रुपए, चल मेरे साथ। अरे रानी, रानी मेरे हाथ। चुगली का बच्चा, रानी कहाँ जा रही हो? छोड़ दे मेरे को, मेरे को नहीं मालूम था कि मैंने एक जुआरी के साथ दिल की बाजी लगाई। जब तक अपने दिल का फैसला नहीं होता मैं जाने नहीं दूंगा। फैसला हो चुका है, मैं दिल की बाजी लगाकर हार चुकी हूँ। अब जान की बाजी लगाकर हारना नहीं चाहती। तेरा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग। रानी, रानी मुझे माफ कर दे। रानी तू मुझे माफ नहीं करेगी? ये पेट है ना पेट, इसे रोटी चाहिए, और रोटी के लिए जुआ तो क्या इंसान क्या कुछ नहीं खेलता। सारी दुनिया रोटी के लिए जुआ ही तो खेलती है ना। सच कहती हो रानी, सच कहती हो। कुछ लोग रोटी के लिए जुआ खेलते हैं, कुछ लोग रोटी खाकर जुआ खेलते हैं। रानी तुझे पता नहीं कि जब इस पेट की आग भड़कती है तो आदमी दीवाना बन जाता है, पागल हो जाता है। रानी, रानी मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखा दूं कि रोटी दुनिया को कैसे अपने इशारों पे नचाती है और दुनिया कैसे नाचती है। चल चल मेरी रानी। दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियाँ, दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियाँ। खुद नाचती है सबको नचाती हैं रोटियाँ, नचाती हैं रोटियाँ। दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियाँ। चलाए ठेले को फाकों से झूल के, बच्चा उठाए बोझ खिलौने को भूल के, बच्चा उठाए बोझ खिलौने को भूल के। देखा न जाए जो, देखा न जाए जो, सो दिखाती है रोटियाँ, दिखाती है रोटियाँ। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियाँ, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियाँ। बैठी है ये जो चेहरे पे मल के जिगर का खून,
बुरा कहे इन्हें पर मैं तो ये कहूँ, दुनिया बुरा कहे इन्हें पर मैं तो ये कहूँ, कोठे पे बैठो कोठे पे बैठ आंख लड़ाती है रोटियां, लड़ाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। कहता था एक फकीर के रखना जरा नजर, रोटी को आदमी ही नहीं खाते बेखबर, रोटी को आदमी ही नहीं खाते बेखबर, अक्सर तो आदमी को, अक्सर तो आदमी को दिखाती है रोटियां, खाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। तुझको पते की बात बताऊं मैं जाने मन, क्यों चांद पर पहुंचने की इंसान को है लगन, क्यों चांद पर पहुंचने की इंसान को है लगन, इंसान को चांद में, इंसान को चांद में नजर आती है रोटियां, नजर आती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, नचाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। अब तो तूने देख लिया रानी, सारी दुनिया जुगाड़ खाना है, अरे यहाँ कौन जुगाड़ नहीं खेलता। पर मैं कहती हूँ राजा कि तू जुआ मत खेला कर। हाँ, मैं चलू? अरे रानी तू कहती है कि मैं जुआ नहीं खेलूं, मैं नहीं खेलूंगा। अंदर रानी देख, अभी मैं जुआ तो बंद कर दिया ना, तो मुझे और भी तो कुछ काम करना पड़ेगा ना, तो मैं ऐसा करता हूँ मैं तेरे साथ खिलौने बेचूंगा। हा? और देख अगर तेरे को ऐतराज है ना मेरा, तो तू अकेले खिलौने बेचना और मैं घर का काम संभालूंगा। यानी मतलब ये है कि घर में झाड़ू दूंगा, किचन के अंदर बटाटे फ्राई करूंगा और अपने टिच्चू पिच्चू है ना उनको संभालूंगा, ठीक है ना। हाँ, मेरे को शर्म आने लगी। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, अरे टाइम ही ऐसा आ गया है कि औरत कमाते वक्त शर्मा सकती है लेकिन मर्द उनकी कमाई खाने के लिए नहीं शर्मा सकता। अरे मेरी तरफ देखना कितना बेशर्म हूँ, तू कमा और मैं पेट भर के खाऊंगा। लेकिन घबराना नहीं रानी, अरे मैं घर में खाना पकाऊंगा, खिचड़ी पकाऊंगा, बता से ट इधर ही आ रहा। जल्दी से छुप जा। किसने छुपा रहा मुझे, कौन है? अरे वो बहुत खराब आदमी है, नजर का काला है, दिल का काला है, बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है, छुप जा जल्दी से। नहीं चलता है, ले नहीं ये नहीं चलेगा, अंदर चल। मगर तुम्हें मदद कर रहे थे, क्या कर रही है? सारी दर्द दिता मेरा दोस्त है, तू अंदर जा बनकर। राजे अंदर आ जाऊं? अंदर आके पूछते हो जग्गू भैया? बेटा अब अंदर कहाँ हूँ, अब तो बाहर हूँ। आ जेल के दोस्त से निभाले गले मिल जाए। जग्गू भैया यहाँ तो दिल मिले हुए हैं, गले कैसे मिलेंगे? कहो कैसे आना हुआ? बेटा मैं तुझे से तो मिलने आया हूँ। अबे राजे क्यों बेटा, कहीं ब्याह तो नहीं कर लिया? भाभी को नहीं दिखाया क्या? अभी तुम्हारी भाभी नहीं बनी है, जरा फेरे हो जाने दो फिर बात। आओ जग्गू चाय पिलाओ। अबे हट, क्या मेरा भरोसा नहीं? बाहर निकाल। निकालता हूँ निकालता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, कि इसको अपनी बहन की नजर से देखना। रानी क्या बात है, तुम एक दूसरे को जानते हो? चोर का बच्चा जुहारी, शेर चपड़ लगाता है तेरी यही। भैया
खबरदार तुम्हें कभी आई टांग तोड़ लूंगा। चल भैया। शंकर कौन है वो जग्गू? जग्गू 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 के बच्चे निकलता क्यों नहीं बाहर? जग्गू कौन है? कौन है जग्गू? मैं हूं राजा तो ना। मेरे दोस्त तुम्हारा मैं जान संभाल दूंगा। शंकर तुम मुझे मार ले। शंकर के बाप ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। शंकर शंकर तेरे को मेरी जान की कसम। शंकर चंपा की कसम ने तुझे बचा लिया। तुम जानने में ये मामला है। तेरे दोस्त को तो छोड़ दिया था लेकिन अब तुझे नहीं छोड़ने का। रानी ने इसके दोस्त के साथ और इसने चंपा के साथ प्रेम की पिंगे बना रखी। मैं इन दोनों को तो जान से मार दूंगा। जग्गू जब अपने ही दाम खोटे हो तो परखने वाले का क्या दोष? रोक नहीं है तो लड़कियों को रोक। उन्हें भी रोकूंगा पहले इससे तो निमट लूं। नहीं जग्गू। कौन खोल के सुन ले बे? अगर तैने ऐसा फिर कदम रखा तो जान से हाथ धोएगा। बैठ जा। अगर चंपा ने कसम न दी होती तो देखता तू जान से हाथ धोता या मैं जान से हाथ धोता। चल, शंकर। हाँ चली। शंकर। चल। शंकर। 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 दरवाजा खोल। जग्गू दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। जग्गू दरवाजा खोल। लागे छूटे ना अब तो सनम। लागे छूटे ना अब तो सनम। चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागे छूटे ना अब तो सनम। पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया। तुझको पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया। प्यार किया तो प्यार किया
तेरी कसम लागी छूटे ना, हाय लागी छूटे ना, अब तो सनम चाहे जाए जिया, तेरी कसम लागी छूटे ना, अब तो सनम फिर से, एक गरीब दीवाना है तेरा, सोच लिया जी, सोच लिया, तेरी कसम लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, अब तो सनम चाहे जाए जिया, तेरी कसम लागी छूटे ना, अब तो सनम ओ, जब से लड़ी है तुमसे निगाह तड़प रहा दिल, जब से लड़ी है तुमसे निकाह तड़प रहा दिल, ओ जी हाँ, देख के चलना प्यार की राह बड़ी है मुश्किल, देख लिया जी, देख लिया, तेरी कसम लागी छूटे ना, है लागी छूटे ना, अब तो सनम चाहे जाए जिया, तेरी पसंद लागे छूटे ना, अब तो सनम। चंपा, चंपा, मेरे मन का चैन तेरे ही दम से है चंपा, और मेरी जिंदगी तेरे ही दम से है शंकर, कहे जा लागी छूटे ना, लागी छूटे। अब ये लागी नहीं छूटेगी चंपा, अब तुझे मुझसे मौत ही अलग कर सकती है, और कोई नहीं, अब ये लागी नहीं छूटेगी चंपा, अब ये लागी नहीं छूटेगी शंकर, अब ये लागी नहीं छूटेगी। लाखी के बच्चे, मैं सुनाता फिर लाखी। देखता तो कह जाती है, मैं जाऊंगी पुलिस में, तूने शंकर का खून किया है, तेरे को फांसी भी चढ़ाऊंगी। चल, पुलिस जाएगी? हाँ। मुझे क्या करवाएगी? हाँ। हाँ। इससे पहले मैं तुझे अपने पैसे सारा सारा मार डालूंगा, चल मार। क्यों चिल्ला रही है? मुझे यहाँ बंद कर दिया और उसने शंकर का खून कर दिया। खून कर दिया? मैं उसे देखता। जग्गू, जग्गू, तूने खून किया है? मैं पूछता हूं, तूने खून किया है? जानता है खून की सजा फांसी होती है जग्गू, तू सबकी जुबान बंद कर सकता है जग्गू, लेकिन मेरी जुबान बंद नहीं कर सकता। मैं पुलिस में जाऊंगा जग्गू, जरूर जाऊंगा। तुम पुलिस में जाओगे बापू? मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूं, तुम्हारे बुढ़ापे का सारा। जा, मुझे फांसी चढ़ा दो, तेरी ये धमकी मुझे नहीं रोक सकती जग्गू, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। क्या रुकोगे? तुम्हें रुका किसने? जाते क्यों नहीं बापू?
मैं वहां फांसी के तख्ते पे तड़पूंगा और तुम यहां सिसक सिसक के मर जाओगे। मैं वहां तड़पूंगा और तुम यहां सिसकोगे। जाओ राजा, 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 तेरे को मेरा ख्याल नहीं। अरे ऐसे मौके पे तेरा तो क्या, मैं अपने बाप का भी ख्याल नहीं करूंगा। तो सुन ले राजा, तेरे को तेरा दोस्त प्यारा है तो मेरे को मेरा भाई प्यारा है। देख अगर तेरा भाई तेरे को प्यारा है ना तो उसका बदला तू मुझसे लेना। मैं आज जग्गू को नहीं छोड़ूंगा। छोड़। राजा, राजा। कहाँ है जग्गू? एक चुगली। कहाँ है जग्गू? जग्गू। हाँ, जग्गू। अब पर हुआ क्या? हुआ नहीं, अब होगा। उसने मेरे दोस्त को मारा है, मैं उसकी जान लूंगा। अरे हाँ। अबे हाँ। जग्गू लेके मेरे घर पे आया। हाँ। छोड़ मेरा हाथ। अबे चल, तेरी तो। छोड़ता है कि नहीं? करता है मारती बन गया। हाँ। बोटी बोटी अलग कर देना। चल, बैठा। जग्गू खोल, मुझे बाहर निकाल। बेटा तू तो मेरा जेल का यार है ना, खिला पिला के तबीयत साफ करूंगा। बैठा रहो। जग्गू मैं कहता हूँ मुझे बाहर निकाल। अबे शर्म मत। यू डोंट टच, आई विल डू इट। अच्छा बाय बाय। ये कौन है? ये तो मैं भी नहीं जानता। इसको मैंने पानी में से निकाला और लावारिस समझकर यहां ले आया। अच्छी बात है, तुम जा सकते हो। ये सीरियस? देखो इसे फौरन एडमिट कर लो और सर्जन साहब को भी बुला लो। इनका फौरन ऑपरेशन करना होगा। मरीज बच तो गया है लेकिन इसका पूरा पूरा ख्याल रखो और जैसे ये होश में आए मुझे फौरन इतना दो। जी बहुत अच्छा। यस यस प्लीज। तुम लोग कौन हो? ये जगह क्या है? तुम हॉस्पिटल में हो? पानी में गिर जाने की वजह से मामूली चोट आई थी, जल्द अच्छे हो जाओगे। मैं पानी में कब गिरा था? मैं कौन हूं? मुझे कुछ याद नहीं आता। तुम आराम करो, सब याद आ जाएगा। प्लीज आराम कीजिए आप। डॉक्टर, इसने अपनी मेमोरी खो दी, अब इसे पिछला कुछ याद नहीं आएगा। Be careful about it. Please. Yes, doctor. Sajan sahab, डॉक्टर शर्मा का टेलीफोन अभी अभी आया था। क्या बात है? शेखर हीरो का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? अरे डॉक्टर मर गया। अरे डॉक्टर जल्दी बाहर आओ। अरे डॉक्टर अगर ये मर गया तो अपन खाली पीली लेकर जाएगा। अरे अपना फिल्म डब्बे में पड़ा रहेगा। डॉक्टर ये एक महीने के लिए? अरे तो दो महीने के लिए बचा। अरे माफ करना, मेरा मतलब 15 दिन के लिए बचा लो। अपन 15 दिन में अपना डब्बा भर के सर्टिफिकेट चिटका के डिस्ट्रीब्यूटर के गले बांध देगा। और डॉक्टर हम तुमको भी एक छोटा सा रोल देगा। केस बहुत सीरियस है इसलिए सर्जन को बुलाया। सर्जन को बुलाया तब तो मर गए। अरे वो तो इसको काट पीट के फेंक देगा। अरे भाई का मॉडल बहुत जूना है, अपन चोर बाजार में रखड़ता पड़ेगा, इसका स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलेगा। ओ गॉड, ओ गॉड, मर गया। अरे मर गया। ओ गॉड, ओ माय डियर गॉड, अगर अपना फटीचर हीरो मर गया तो इस प्रोड्यूसर जानी भाई तानी भाई मंगलदास का कबाड़ा हो जाएगा, आइसक्रीम बेचना पड़ेगा। ओ गॉड। ए, 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 ए भाई तुम कहां अंदर गुस्सा चलाता है? बाहर नो एंट्री का बोर्ड नहीं देखा है? देखिए मिस्टर, आई एम सर्जन। सर्जन? अरे सर्जन, अरे तुम सर्जन है तो हमको बचाओ। हमारा दिल एकदम तबले की तरह धक 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 करता है। अरे अपने दिल पर एकदम कड़क फटका लगा है। अगर भाई झटका लगता है? झटका नहीं, फटका। फटका? अगर फटका ही सही, अगर झटका लगता है या फटका लगता है। हां हां फटका, तो आपको इस हालत में टहलना नहीं चाहिए। सर्जन साहब आप आइए। सर्जन साहब जल्दी देखिए। वेट 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 वेट। अरे अरे इस तरफ।
भाई दिल इस तरफ होता है। अरे ऐसा कैसा बोलता तुम, हम बोलता हमारा दिल सड़क के इधर से इधर आ गया है। हार्ट में तो कोई ट्रबल नहीं? अरे अरे सज्जन साहब, अरे वो मर गया तो इसी हार्ट का डब्बा गुल होगा। वो कौन मिस्टर? अरे वो नहीं समझता, अरे अपना हीरो मिस्टर शेखर। तो इसका मतलब है कि पेशेंट कोई और है? अरे तो क्या तुम क्या समझता, क्या हम है? नॉनसेंस। व्हाट? हाउ स्ट्रेंज, कितने ताज्जुब की बात है। अभी अभी सर के चोट का एक मरीज जिसे मैं हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ, उसकी शक्ल इससे बहुत मिलती है। अरे सज्जन साहब, बहुत मिलती है या बिल्कुल मिलती है? देखिए प्रोड्यूसर साहब, इनकी हालत बहुत ही नाजुक है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे सज्जन साहब, ये मरेगा तो नहीं ना? डॉक्टर, इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाओ। लेकिन सज्जन साहब, ये मरेगा तो नहीं ना? उम्मीद रखो माय डियर बॉय, कीप अप होप। अरे क्या होप। एक्सक्यूज मी बेबी शेखर। अरे ओ गॉड, थैंक यू वेरी मच। अरे अपना कबाड़ा होने से बच गया, बच गया, अरे बच गया। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, थैंक यू मगरमच्छ। अरे अरे शेखर, तुम ठीक हो गया? अब देखो हम तुम्हारे लिए फूल लाया है। शेखर? ये शेखर नहीं है, दूसरा पेशेंट है। अरे ऐसा कैसा बोलता है तुम? अरे ये दूसरा पेशेंट है तो शेखर कहाँ है? उसका ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन? सॉरी, फूल वापस। सर्जन ठीक बोलता था। अरे ये तो अपना हीरो का एकदम डुप्लीकेट है, दोनों का शक्ल एकदम मिलता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। अरे तुम्हारा भी जवाब नहीं, गुड आइडिया है। सज्जन साहब, सज्जन साहब, सज्जन साहब, शेखर का ऑपरेशन। वेरी सॉरी, योर शेखर डाइड, तुम्हारा शेखर मर चुका है। व्हाट? अरे सज्जन साहब, तुम ऐसा कैसा बोलता है? अरे अपना शेखर तो वो रहा। वो तो लावारिस मरीज है। सज्जन साहब, अपन उसका वारिस है, अपन उसका वारिस है। लेकिन वो मरीज तो अंडर ट्रीटमेंट है। अरे तो क्या हुआ सज्जन साहब, बाकी का ट्रीटमेंट अपन घर पे करेगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल की पूरी कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। सज्जन साहब, आप जो भी बोलेगा अपन करेगा। अरे अपना फिल्म डब्बों में बंद पड़ा है। देखो प्रोड्यूसर साहब, यस, ये अपनी मेमोरी खो चुका है, इसे पिछला कुछ याद नहीं। अरे पिछला तो सज्जन साहब अपना सब डब्बों में पड़ा रखा है, अगला तो याद रखेगा ना? हाँ अलबत्ता अगला याद रखेगा। तो चलेगा सज्जन साहब, आप कागजात भेज दीजिए, अपन सब पे साइन कर देगा। ओके, एज यू विश। थैंक यू। इट्स ऑलराइट। शेखर, शेखर यार, ये तुम फूल वापस क्यों किया? अरे बाय गॉड, अपने को बहुत फील हुआ। अरे ये तो अपन तुम्हारे लिए लाया था यार। ये शेखर मैं नहीं समझा। तो क्या हुआ, अपन तो सब समझता है। तुम घर चलो, अपन तुमको सब समझा देगा। नहीं नहीं, अरे पानी। नर्स, अरे देखती क्या? यस सर, बोल, सबको तैयार कर। देखती है। वेरी गुड शॉट, वेरी गुड शॉट, वेरी गुड शॉट। वॉट? थैंक यू। कहाँ लगाऊं? बच गया, बच गया। अरे हीरो तुम क्या बच गया, अपन बच गया, कुछ समझा? अरे हीरो तुम तो अपने भेजे का अंटू बटाटा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। अरे तुम्हारा तो वो एग्जाम्पल है, वो क्या बोला था अपना मुंशी शायर, न समझा उम्र गुजरी उस बुटे का फिर को समझाते, अरे पिघल कर मोम हो जाता अगर 70 को समझाते। समझा? अरे अभी है बोलता है। अरे हाँ बोल, हाँ इधर आ, इधर आ, इधर बोल, बोल, अब बोल, ये घर भी तेरा नहीं, बोल। नहीं, ये घर मेरा नहीं होता। अरे भाटा किधर है? इतना बड़ा घर, ये तो किसी राजा महाराजा का मालूम होता है। अरे तो तुम किसी राजा महाराजा से कम है। अरे तुम अपनी पिक्चर का हीरो है, हीरो। वो देख तेरा तस्वीर। ये तो मेरा ही है, लेकिन सब सब समझा, अब समझा, समझा। नहीं नहीं, अरे नहीं समझा। अरे अपना मुहूर्त में उतराया भाई यार, क्या तुम भी आदमी, क्या लफड़बाजी करता है तुम। अच्छा वो देख माला का तस्वीर। अरे अपना बेबी का, तुमसे मोहब्बत करता है। नहीं, मैं माला को नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। ये घर तेरा, ये नहीं जानता। तो इस घर का मालिक है, ये नहीं जानता। हम तुम्हारी पिक्चर का प्रोड्यूसर है, ये नहीं जानता। माला को नहीं जानता, हम जो बोलता वो नहीं मानता। अरे हीरो तुम अपने भेजे का आइस फैक्ट्री बना दिया है, कबाड़ा बना दिया है, एंटीफोलॉजी स्टील बना दिया है, जब जाकर कहीं लाइन पर आया। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये कौन है? ये, अरे ये तो मैं हूँ। यस, ये तुम, यानी कि शेखर। अच्छा ये बताओ, ये आप ही तो कहते हैं कि माला है। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। ये माला, और ये, हाँ हाँ ये मैं शेखर, तुम। ये माला और ये माला का शेखर। आप कहते तो ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, ये कौन है? ये तो माला है। हेलो शेखर। शेखर? आप मुझे शेखर कहती हैं? अच्छा शेखर ना कहूं तो क्या हीरो कहूं?
आय देनी है और लगे मजाक करना। अरे मजाक मजाक नहीं बेबी, बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस। तुम इधर आओ, कोने में बताता हूँ। देखो बेबी, तुम्हारा शेखर सर की चोट की वजह से पिछला सब भूल गया है। भूल गया तो क्या, मेरी मोहब्बत भी भूल गया? अरे तो क्या हुआ, रिटेक टेक टू। अरे फिर से शुरू करो, अरे नई मोहब्बत में ही तो मजा है। लेकिन देखो पिछला कुछ याद मत दिलाना, वरना अगला भी भूल जाएगा। अच्छा हम तुम्हारे शेखर को तुम्हारे सपोर्ट करता है, अब जाता है। टाटा। कहती हूँ, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, तुमसे कब मिला, मैं कुछ नहीं जानता। तुम ये समझो मुझे अब मिले, यहाँ मिले शेखर, तुम मेरे हो। शेखर? हाँ शेखर। मैं? शेखर तुम मेरे हो। शेखर मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ शेखर, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ शेखर, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती शेखर। तुम मुझे? हाँ शेखर, तेरे ही कम से है शंकर, कहे जा। लाठी छूटे ना, लाठी छूटे। अब ये लाठी नहीं छूटेगी चंपा, अब तुझे मुझसे मौत ही अलग कर सकती है। शिखर। माला? शिखर एक बात पूछो। पूछो। बता सकते हो हम एक दूसरे से कितने दूर हैं? अब तो हम लोग बहुत नजदीक हो चुके हैं माला। इसी नजदीकी को मैं मजबूत करना चाहती हूँ शिखर। मतलब ये है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ, घर वाला चाहती हूँ। तुम्हें मंजूर है शिखर? मुझे कोई इतराज नहीं। सच? हाँ शिखर। वेरी गुड शॉट, एक्सीलेंट। अरे वेरी गुड शॉट, अरे वेरी गुड शॉट हीरो। क्या एंगल जमाया तुमने। अरे ऐसा शॉट दे दे के तो तुम अपना पिक्चर चलने से पहले हिट करा दिया। अरे अब तो इसको पुलिस उतारेगा जब भी नहीं उतरेगा। अरे देख, अरे देख देख क्या पोस्टर बन के आया है, देख। अरे देख, हाँ 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 हाँ, अरे बिल्कुल देवदास मालूम होता है, देख। अबे टुकले, इतने हाथ में क्या? तुम्हारी आजादी का परवाना है उस्ताद। आजादी का परवाना? इसे देखकर अगर चंपा तुम्हें मिल जाए तो रानी का हाथ मेरे हाथ में दोगे, वादा करो। वादे का बच्चे। अबे ये तो शंकर है। शंकर? हाँ। ये जिंदा है? तो ये फिल्म कंपनी में काम करता है उस्ताद। अब कहो राली मेरी हुई? चुगली खान में रहो। और सुन बेटा, अगर तूने चंपा को कहा कि शंकर जिंदा है तो साले तू मर जाएगा। नहीं नहीं सुन दे। हाँ समझ गया। हाँ नहीं समझ गया। ओ दिल दे दिया है तुझका नजराना समझ कर। भगवान अब तो जान की बाजी लगवा दी, इस पेट में तो कुछ बचता नहीं, और उगल दिया तो जग्गू जान ले लेगा। क्या कर रहे हो भगवान? चल चुगली। ए चंपा, ए चंपा। अरे मोना भीरा, अब जीवन का अपने कोई भरोसा नहीं रहा। आ तुझे मैं अपनी खुशी की खबर सुनाऊं। जा जा तू तेरा काम कर, मेरे को ज्यादा दुखी न कर। अरे दुखी तो मैं अपने को कर रहा हूँ, तू तो ये खबर सुनकर सुखी हो जाएगी कि शंकर जिंदा है। शंकर जिंदा है? शंकर भैया शंकर जिंदा है? अरे वो फिल्म में हीरो हो गया है। वो कहता था एक दिन जरूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ए भगवान, ए भगवान, पेट में तो ठंडक पड़ गई, अब जग्गू से जान बचा देना। बापू बापू, क्या बात जग्गू? ये देखो, ये रहा तुम्हारा शंकर। मैंने खून बन कोई नहीं किया, ये देखो नाटक कंपनी में काम करता है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा फांसी पे चढ़ने से बच गया। भगवान बापू, अब चंपा से मेरा ब्याह कब करोगे? जब चंपा तेरे साथ ब्याह करने की मर्जी देगी। अगर वो मर्जी नहीं देगी तो मेरा ब्याह नहीं होने का? नहीं बेटे,
चंपा शंकर से प्यार करती है और मैं उसकी शादी शंकर के ही साथ कर दूंगा। अब मैं शंकर का खून कर दूंगा। शंकर को मैं चंपा के साथ ब्याह करने में जिंदा नहीं छोड़ने का। ये तेरा आखिरी फैसला? बिल्कुल। तू बदल नहीं सकता इस फैसले को। जिंदगी भर नहीं बदल सकता। चंपा बेटी। चाचा चाचा, चाचा शंकर जिंदा है, चाचा शंकर जिंदा है। लेकिन बहुत दिनों के लिए नहीं, मैं अब उसे मार डालूंगा। सुन लिया? अब तू ही बता बेटी मैं क्या करूं। मेरे दिल में तेरी मोहब्बत की कदर है बेटी, लेकिन मुझे उसका यह अंजाम दिखाई दे रहा है कि तू इधर शंकर के लिए तड़पेगी और मैं जग्गू के लिए रोऊंगा। मैं तुम्हें नहीं रोने दूंगी चाचा, मैं तुम्हें नहीं रोने दूंगी। तुम हुक्म दो, उसे पूरा करना मेरा धर्म है। किस मुंह से हुक्म करूं बेटी, मैंने तुझे औलाद की तरह पाला, कहां से हिम्मत लाऊं बेटी। मैं शंकर से शादी करूंगी तो जग्गू से मार डालेगा, जग्गू का फांसी होगी और तुम तड़पोगे। ये सब कुछ मुझसे नहीं देखा जाओगे चाचा, ये सब कुछ मुझसे नहीं। बेटी बेटी बेटी, तुम सुखी चाचा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम बहुत ऊंची हो बेटी, तुम बहुत ऊंची हो बेटी। मैं तेरी कुर्बानी नहीं दूंगा बेटी, मैं तेरी कुर्बानी नहीं दे सकता। अब जो तेरा जी चाहे करना बेटी, मेरा तेरे लिए कोई हुक्म नहीं, कोई हुक्म नहीं बेटी। अब मेरा हुक्म है मेरा ब्याह जग्गू के साथ कर दो बेटी। मेरा ब्याह जग्गू के साथ कर दो बेटी। चंपा राजी हो गई। रानी रानी रानी, उसने हाँ कर दी, उसने हाँ कर दी। चंपा ने, चंपा में तो शादी करेगी तुम्हारे। हाँ रानी, हाँ मेरे साथ। चंपा चंपा, तू भैया से शादी कर रही है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैंने सब कुछ नहीं सोच लिया। हाँ कुछ नहीं सोच लिया है चंपा। अगर तू शंकर से शादी नहीं करेगी तो राजा भी मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। तू खुद तबाही के रास्ते पर जा रही है, तो तू क्या ये चाहती है कि तेरे साथ साथ मैं भी तबाह हो जाऊं? मेरी शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने, कभी नहीं होने दूंगी रानी। रानी तुम यहाँ इस वक्त? भैया नशे में था, मेरी कुछ चाबी निकालने का मौका मिल गया। चलो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम इतने घबराए से क्यों हो? राजा शंकर जिंदा है। क्या शंकर जिंदा है? मेरी रानी। लेकिन राजा चंपा भैया से शादी कर रही है। शादी कर रही है? हाँ। ये कैसे हो सकता, चंपा हरगिज़ ऐसा नहीं करेगी। चंपा शादी नहीं करेगी तो भैया शंकर को जान से मार डालेगा। तुम्हारे भैया कोई भगवान नहीं है कि जिसको चाहे मार डाले, जिसको चाहे जला दे। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तू कैसे रोक सकता है, चंपा खुद राजी हुई है। चंपा खुद राजी हुई है? रानी रानी देख, चंपा मेरे पास शंकर की अमानत है, ये शादी नहीं होनी चाहिए। तू इस काम में मेरा साथ देगी? तो सुन अरे ओ जग्गू, शादी के मुहूर्त का वक्त करीब है बेटे, और तू यहाँ रंगरलिया मना रहा है, बेहोश खड़ा है। चल ना, चल बहुत से काम करने आओ, तुम लोग सबके सब आओ। देख क्या बात है। नमस्ते। ठीक है? नमस्ते। अरे बरन में आ गया। अरे हाँ बेटे, आज बड़ा खुश हूँ मैं बेटे। अरे चौधरी राम राम, चौधरी राम राम। चलो पधारो पधारो। तो चुगली, तेरे को क्या हुआ? चाचा पेट में बड़े जोर का। अबे आज भी तेरे दर्द हो रहा है? अरे आ गया बेटा। अरे लक्ष्मी, अरे बिटिया को ला ना, ला दुल्हनिया को ला। हाँ ले आ, अदर संभाल के ले जो ले। हाँ बिटिया, हाँ माई को ला। हाँ लक्ष्मी जरा संभाल। बड़े जोर का दर्द हो रहा है। अबे तो फिर बोलना क्या बात है? कैसे बोलूं जग्गू का जो डर है। अबे चुगली, आज तुझे साफ खून मार रहे हैं। बोल जग्गू भैया, तुम्हारा ब्याह चंपा से हो रहा है ना? अरे तो और किससे होगा?
चाचा मेरे पेट का दर्द कुछ और कह रहा है, जरा दुल्हन का मुंह खोल के तो देख लो। अरे मंडप ने मेरी पगड़ी उछालना चाहता है। पंडित जी करो शुरू। बिटिया बैठ जा, बैठ बेटे, बैठ। हे भगवान, अगर ये शादी हो गई तो रानी मुझे जान से मार डालेगी। रोको इसे, अरे रोको। पढ़ो पढ़ो पंडित, मंत्र पढ़ो, भाई बहन की शादी करवाओ। क्यों चुप रहे? जब तुम चंपा से शादी कर सकते हो तो मेरे से भी शादी कर सकते हो। रानी क्या कर रही, क्या कर रही रानी? सही कह रही हूँ बाबू, चंपा मेरी बहन है तो भैया की भी बहन। नहीं, चंपा को सिर्फ बाप ने पाला है। जब मुंह बोली औलाद अपनी हो सकती है तो जिसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं क्या वो औलाद अपनी नहीं हो सकती? बापू ने चंपा को बेटी की तरह मेरे साथ साथ पाला है, एक ही थाली में खाना खिलाया, एक ही लोटे से दूध पिलाया है। चंपा मेरी बहन है। जुबान को रोक लड़की, छोटा मुंह और बड़ी बात करती है। जब बड़ों की जुबान पर ताले पड़ जाते हैं तो छोटों को बोलना ही पड़ता है। बोलो, तुमने चंपा को अपनी बेटी की तरह नहीं पाला? जवाब दो, जब तुम मुझे अपनी बेटी समझते हो तो क्या चंपा तुम्हारी बेटी नहीं? अगर तुम भैया का ब्याह एक बेटी के साथ कर सकते हो तो दूसरी बेटी के साथ भी कर सकते हो। जाने, तेरी इस बकवास का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं चंपा से ब्याह करूंगा और जरूर करूंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। मैं रोकूंगी तुम्हें। जग्गू हटो, बाप आओ। जग्गू भैया, भैया मैं तुम्हें रोकूंगी। तो मैं तो जान से मार दूंगा। पता चंपा कहां है? पता? मुझे जाने देना, तो मुझे जाने दे। नहीं चंपा, जिस तरह मैं तुझे वहां से उठा के लाया हूँ इसी तरह मैं तुझे शंकर के पास ले जाऊंगा। तू समझ सकती हूँ, अगर जग्गू के साथ मेरा ब्याह नहीं हुआ तो जग्गू शंकर को मार डालेगा। इससे पहले कैसा सोचे मैं उसका खून कर डालूंगा। तू किस किस को बचाएगा राजा? जग्गू खूनी अगर उसके सर पे खून सवार हो गया तो वो रानी को मार डालेगा, मुझे मार डालेगा, चाचा को मार डालेगा। दोस्त के खातिर हमें इन सब खतरों का मुकाबला करना पड़ेगा। तू मुझे मोहब्बत के रास्ते से न भटका राजा, मोहब्बत कुर्बानी चाहती है, मुझे कुर्बानी देनी होगी, मुझे कुर्बानी देनी होगी। मैं भी जान कुर्बान कर दूंगा चक्कू, लेकिन चंपा से तेरी शादी नहीं होने दूंगा। चक्कू तुम मेरे सामने मत आओ, मेरे सर पे खून सवार है तो तुम मुझे मारेगा। पुलिस को धोखा नहीं दे सकता जग्गू, उनका कहां भाग रहा है? चल मेरी बात मानो, मैं सच कहता हूँ, जब शंकर हमें देखेगा ना तो बहुत खुश हो जाएगा। क्या खुश हो, इतने दिन हो गए, दो पैसे की चिट्ठी तक तो भेजी नहीं। नहीं रानी, उसकी जरूर चिट्ठी भेजी होगी, मगर जग्गू ने ही फाड़ दी होगी। चंपा रानी देख, एक भगवा का सा, एक कैसा कैसा अकड़ के देख रहा है। आओ राजा, राजा इसकी आंखों में ऐसा नहीं लगता किसी किसी का इंतजार कर रहा हो। अरे किस तो कह रही है चंपा, मेरा इंतजार कर रहा है अपने दोस्त का। क्यों राजा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम मेरा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक तो कहती है। तो मैं कहा नहीं कहता हूँ। हाँ भाई ऐसा तेरा इंतजार कर, तू रोती काहे को है? मत घबरा, मैं तुझे उसके पास ले जाऊंगा। शंकर हम तेरे पास आते हैं और तेरी तबीयत ठीक कर देंगे। आ जा, आ जा। हे शंकर का मकान, आओ चलो चलो जल्दी, बगीचे संभालना, बगीचे संभालना लड़कियां। औलाद किधर जाता है बाहर? नौकरी करने का कि चुकता लेने का? सलाम करो, हम सलाम करो। ओचे हम तुमको सलाम नहीं करेंगे, तो सलाम करता है हम अपना मालिक को। हम भी तुम्हारा मालिक है। ओचे तुम हमारा मालिक नहीं, हमारा मालिक है शेखर साहब, एक्टर से बहुत बड़ा एक्टर। हमारा नाम राजा है, शेखर साहब हमारा दोस्त है, और ये तुम्हारा मेम साहब। ओचे ये शेखर साहब का मेम साहब है? ये खुदा का कसम तुम सच बोलता है। अच्छा सच बोलता है? अरे सच का बच्चा, हमको मालूम है तुम कौन लोगे। चलो बाहर, वही बाहर जाओ। हाथ मत लगा। देखो एक काम करो, शेखर साहब को बुलाओ, फिर तुमको पता चलेगा कि हम लोग कौन है। ओके शेखर साहब घर में नहीं है। अरे मैं घर कभी आएगा? हाँ कब आएगा?
और चाहे सुबह आएगा चाहे शाम को आएगा चाहे रात को आएगा चाहे हमको नहीं मालूम है कभी आएगा। शेखर साहब का आम नौकर है, शेखर साहब हमारे नौकर नहीं है। ये पठान को नमाज का टाइम परेशान करने के लिए आता है भाई। ये तो मुसीबत हो गई, कुछ सोचो भाई, अपना दिमाग तो नहीं चलता। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आता। नहीं ए राजा, तो? मेरे भेजे में एक तरकीब आई है। क्या है राजा? बोल बोल जल्दी बोल। तुम लोग यही ठहरो, मैं इस पठान को उल्लू बनाती हूँ। जा पाचे मेरा, मैं समझ गया, जा जल्दी से जा। मगर ए राजा, ये करेगी क्या? दगा दगा वही वही वही। बना रखा है भगवान कसम, मैं कहता था ना एक दिन राजा तुझे रानी बनाकर छोड़ेगा। रानी? क्या कहा? तेरी रानी? अरे अरे भूल गया शंकर की रानी। हाँ, शंकर की रानी। ए, चंपा, शंकर हमेशा कहा करता था कि वो एक दिन हीरो बनेगा। अरे वो तो दिख ही रहा था राजा, तभी तो वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देता था। ये भी ठीक है। चंपा देख, काली टोपी छोड़कर अंग्रेजी टोपा पहनने लग गया। मगर शंकर अब ये टोपी पहनेगा? अरे पर तुम क्यों परेशान होती हो, वो नहीं पहनेगा तो मैं पहनूंगा। देखो कैसा दिखता हूँ। छी 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 छी, इस टोपी में तो शंकर भी अपने को शंकर समझने लगेगा। ए जय भाई, जरा आराम से।
चंपा, ऐसा गदीरदार तखत तो अपने बाप दादा के जन्म में भी अपने को नसीब नहीं हुआ था। फुट पैरी से तो बचे भाई। शंकर के साथ कौन है? अरे ये कोई एक्ट्रेस फैक्ट्रेस होगी। एक्ट्रेस होगी तो इसे किसी बायोस्कोप पे लगाते, यहाँ क्यों लगाया? अरे पर तेरे को पसंद नहीं तो पलटा दे। हाँ जल्दी से। मोटर आ रही है, मोटर। हाँ शंकर, अरे तू वहाँ कहाँ जा रही है? तू छुप जा। हाँ, अरे जल्दी छुप जा, कब छुप कर रही हूँ। मैं कौन हूँ? माला? माला का निकल गया दीवाला, आगे बोल। ओहो प्रोड्यूसर साहब। प्रोड्यूसर साहब नहीं, राजा साहब। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ राजा शंकर का दोस्त, एड्रेस बंबई का फुटपाथ। बहुत बेतकल्लुफ होते जा रहे हैं आप, मैं आपको नहीं जानता। अरे तू मेरे को नहीं बना सकता, मैं तेरे को अच्छी तरह जानता हूँ, तू मेरा शंकर है। मगर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। अरे शंकर यार, तू तो बहुत अच्छा एक्टर बन गया यार, लेकिन एक बात है, अपने पास एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर अगर उसके सामने एक्टिंग में तू नर्वस नहीं हुआ तब मैं जानूं कि तू अच्छा एक्टर है। डायरेक्टर साहब, हीरो तैयार है। ये कौन है? इनसे पूछिए। कौन हो तुम? चंपा। कौन चंपा? अरे तुम्हारी चंपा। मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे चंपा को नहीं जानते शंकर। मजाक मत करो शंकर, शंकर शंकर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। शंकर 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 कौन हो तुम? अपने शंकर की चंपा। लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं जानता। किसके हुकुम से तुम लोगों ने इस घर में कदम रखा? ये तू किच-पिच मत कर छोकरी। ए शंकर तू सच बता, हम लोगों को नहीं पहचानता? आ शंकर, क्या तुम मुझे भी नहीं जानता? क्यों गले पड़ रही है छोकरी, निकल जा यहाँ से, वरना दरबान को बुलवा के वो जूते लगवाऊंगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा। ए गपचुप है, क्या 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 लगाइए, जो कुछ कहलवाना इससे कहला। कहलवा के बच्चे निकल यहाँ। शंकर तेरा पीछा इतना खराब होगा कि तुम्हें राजा पर हाथ। तू नहीं शंकर, तेरी दौलत बोल रही है, तुझे दौलत का नशा। मगर याद रख, भगवान ने रुपया गोल बनाया है, ये कहीं से छुपकर तेरे पास आया और एक दिन चला भी जाएगा शंकर, चला भी जाएगा एक दिन, चला भी जब तक दौलत तेरे पास है ये मक्खियां भी उस पर भिनकती रहेंगी, और जब दौलत चले जाएगी तो ये सब मक्खियां भी उड़ जाएंगी। सब सर पकड़ के रोना। राजा जैसा दोस्त और चंपा जैसी जाने वाली को क्यों निकाला? बस जबान लुटी गए यहाँ से। जाके हम अब तो हर एक दर पे सदा करते हैं, जिनके तकदीर बिगड़ जाती है, क्या करते हैं। न तो दर्द गया न दवा ही मिली, मैंने ढूंढ के देखा जमाना। न दर्द गया न दवा ही मिली, मैंने ढूंढ के देखा जमाना। हम तो लौट आए
पड़ी है, उठ। अरे अरे तुझे तो बुखार है, चल चल मैं तेरे को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं राजा भैया, मैं भगवान के चरणों में आ गई, मुझे उसी के पास जाने दो, मैं वहीं जाऊंगी भैया, मैं वहीं जाऊंगी। मुझे डॉक्टर वॉक्टर के पास नहीं जाना, नहीं जाना भैया, नहीं जाना। ना 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 चंपा, चंपा जिद नहीं किया करते, उठ उठो चंपा, शाबाश। देखो चंपा, तुम मेरे पास मेरे दोस्त की अमानत हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं उसे कैसे मुंह दिखाऊंगा। शाबाश। तुम्हें ठंडी लग रही, आओ बैठो। राजा, हाँ? तो अभी शंकर को चाहता है? चाहता है? नचाने की कौन सी बात? उसने हम लोगों को पहचाना तक नहीं और तेरे को मारा। अरे मैं वो बात तो उसी दिन भूल गया। चंपा देख, दौलत एक ऐसी चीज है कि बाप बेटे को और भाई भाई को नहीं पहचानता। हमारे पास कहाँ दौलत है जो हम उसे भूल जाएं? वो मेरा शंकर है, मुझे यकीन है कि वो एक दिन जरूर मुझे पहचानेगा। शिखर, ऐसा क्यों होता? ऐसा क्यों होता? ऐसा क्यों होता? शिखर, ये तुम्हें क्या हो गया है? जैसे मैं टोपी की तरफ देखता हूँ, मेरे सारे ख्यालात पीछे की तरफ चले जाते हैं और एक पानी की लहर सी आती है, सब बहा कर ले जाती है। शिखर, माला ऐसा नहीं हो सकता है। बोलो बोलो शिखर, कि ये शादी कैंसिल हो जाए। शेखर, ये तुम क्या कह रहे हो? शेखर, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। शेखर, कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद तुम्हारी सारी जिंदगी मेरी उलझने सुलझाने में खत्म ना हो जाए। शेखर, मैं उलझ सा गया हूँ। मारा सचिन साहब, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि शेखर की खोई हुई याद वापस आ सके। शेखर? कौन शेखर? शेखर, फिल्म स्टार शेखर। लेकिन वो तो मर चुका है। क्या? हाँ, उसको एक्सीडेंट हुआ था और उसका ऑपरेशन मैंने ही किया था, लेकिन वो बच ना सका। तो फिर वो कौन है जिसे मैं शेखर समझती हूँ? वो शेखर का हम शक्ल, इत्तफाक से वो भी उसी दिन हॉस्पिटल में था और मैंने उसका ऑपरेशन किया और वो अच्छा हो गया, लेकिन अपनी याददाश्त खो गया। फिर आपका जानी भाई प्रोड्यूसर उसे अपने साथ ले गया, शायद अपनी अधूरी पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए। उन्होंने उसे मेरे सामने भी शेखर के रूप में पेश किया। हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? नहीं, राजा, राजा, शंकर अपनी याद खो बैठा, इसलिए उसने हमको नहीं पहचाना। चल चल, डॉक्टर से पूछे, उसका कुछ इलाज हो सकता है। अरे उसका क्या इलाज हो सकता, तेरा क्या होगा? अरे तू मेरी फिक्र छोड़ना, चलना डॉक्टर से पूछ ले। आजा।
नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते, क्या बात है? डॉक्टर साहब, बात यह है कि किसी आदमी की याददाश्त खो गई हो तो वो वापस आ सकती है डॉक्टर? आ सकती है। कैसे डॉक्टर साहब? एक तो ये कि उसकी जिंदगी के तमाम पिछले वाकयात उसके सामने दोहराए जाए, मेरा मतलब है उसके सामने लाए जाए। मगर कितने दिन लगेंगे? एक साल, दो साल, दस साल भी लग सकते हैं। दस साल? हाँ हाँ। डॉक्टर साहब, कोई जल्दी में काम नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या? ऑपरेशन। ऑपरेशन? यस। डॉक्टर साहब, कितने पैसे लगेंगे ऑपरेशन में? यही कोई 700-800 रुपए। 700-800 रुपए? हाँ। राजा, इतने पैसे बुलाएंगे कौन से? राजा, इतने पैसे हम कौन से लाएंगे? मत घबरा चंपा, 700-800 रुपए तो क्या, 7-8 हजार रुपए लाऊंगा मैं, चाहे मुझे अपनी कसम तोड़नी पड़े। शंकर के लिए पैसा क्या, अपनी जान हाजिर है जान। चलना यार, जल्दी करना। चल भाई, ये 2 रुपए की चाल है। 2 रुपए की चाल? खोल खोल, जल्दी खोल, पैसे की सख्त जरूरत है। 2 पंजे? अरे आठ आठ, 2 दस्से 2 दस्से, 2 पंजे वाला आया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और भाई गॉड, एकदम 32 हॉर्सपावर। अरे बेबी, तुम तो मारा मारी क्यों उतर आया? मुझे ये क्यों नहीं बताया कि शेखर मर चुका है? और ये शेखर नहीं, शंकर है। अरे बेबी, तो क्या हुआ, पसंद नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो, मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती, मैं उसे छोड़ दो। अरे बेबी, अरे तुम तो एकदम इमोशनल। मुश्किल को आसान करना, यानी कि डिफिकल्ट को इजी करना, तो अपन लोगों का पेशा है। तो फिर मुझे बताओ मैं क्या करूँ? तुम उसको छोड़ना चाहता है? नहीं, तुम उसको अपने काबू में रखना चाहता है? हाँ, तो तुम उसे शादी कर लो। हाँ, अरे तुम उसे शादी कर लो, वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा और दोनों मेरे हो जाओ। 100 रुपए की चाल भाई, सौ करो, 100 रुपए से सौ। एक एक्का, दो एक्का, तीन एक्का, अब क्या शो करें? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। अरे बाप रे, अपना तो काम बन गया भाई, मैं जीत के जा रहा। रानी, अच्छा वो आ गई, इधर आ जा, आ जा। देख, पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, ले ये रुपये ले, चंपा के पास जा और शंकर के ऑपरेशन का इंतजाम करना, जरूर याद से। देख पुलिस आ गई। अच्छा छोड़ दो मुझे, भाग, छोड़ दो, भाग दे जल्दी। हाँ चलो चलो, झगड़ा क्या करता है, चलो आता है। चंपा, क्या है? चंपा, चंपा। हाँ? राजा को पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ? हाँ? क्यों? उसने जुआ खेला था, ये देखो ये रुपया जीत के लाया है शंकर के ऑपरेशन के लिए। नहीं नहीं, शिविर के पैसे से शंकर का ऑपरेशन नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन उसकी खोई हुई याद कैसे वापस आएगी? हाँ, डॉक्टर ने दूसरी बात भी तो बताई। रानी, तू राजा बन जा और मैं शंकर, भगवान ने चाहा तो सब काम ठीक हो जाएगा। रानी, मिल जाए तो जुआ खेलना छोड़ देगा तू? हाँ, मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं फिर से जुआ खेलूं। चल, हम तुझे नौकर रख लिए। साहब, क्या साहब? बात 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 वो है साहब। अबे बोलता क्यों नहीं साहब? वो ये मेरा दोस्त शंकर है। हाँ? इसके बगैर मेरे गले से पानी नहीं उतरता। तो फिर हम क्या करेगा? इसको भी नौकर रख लो ना साहब। अच्छा, हम दोनों का जुड़ी साहब।
मेरा नाम शक्कर है और इसका नाम राजा। चल जोड़ी को रख लिया हमने, काम शुरू कर दो, पगार तय कर देंगे। क्या हुआ? बंद करिए बाजा। शेखर, 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 क्या हुआ तुम्हें शेखर? पता नहीं माला, मेरे सर में बहुत तकलीफ हो रही है। ला मैं दबा दूँ शेखर। नहीं नहीं माला। अच्छा ठहरो, मैं भी डॉक्टर को टेलीफोन करती हूँ। अभी आते हैं। क्या हुआ था? क्या? क्या? हेलो, रॉन्ग नंबर। जरा देखिए प्लीज, जरा डॉक्टर साहब को बुलवा दीजिए। डॉक्टर साहब, मैं माला बोल रही हूँ। शेखर के सर में बहुत सख्त दर्द है, वो किसी तरीके से काबू नहीं आ रहा। जरा प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज डॉक्टर साहब। हाँ 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 प्लीज। सब सो गए, सब ठीक है। कैसे ठीक हो गया भगवान? क्या कैसे ठीक हो गया? तेरा हाथ लगती है उसको नींद आ गई, वो तेरे को अब भी जानता है, मगर मगर बेचारा भूल गया है। कोई बात नहीं रानी, हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। हाँ चंपा, बहुत जल्द तेरा हो जाएगा। अब इरादा है कि पत्थर की सनम पूजूंगी, ताकि घबराऊं तो टकरा भी सकूं, मर भी सकूं। शंकर, ए शंकर। आया साहब। शंकर, जब से तुम लोग आए हो मेरी इतनी खिदमत करते हो कि मैं तुम्हारा मोहताज सा हो गया। साहब, पानी साहब। समझ में नहीं आता, अगर तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा? हम आपको छोड़के क्यों जाएंगे साहब? आप ही हमको निकाल दे तो हम चले जाएंगे, वरना आपके सिवा हमारा कौन है साहब? कौन? मैं भला तुम्हें क्यों निकालूंगा? मैं तुम्हें कभी नहीं निकालूंगा, वादा करता हूँ। माफ करना था, वादे कभी कभी झूठे भी पड़ जाते हैं। मेरे वादे कभी झूठे नहीं होते। मेरे वादे कभी झूठे नहीं। मैं सारी दुनिया के सामने तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा, सारी दुनिया के सामने तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा। चुप, तू मेरी है। अबे शंकर, तू रोता है? अबे ये लड़कियों की तरह क्या रोता है? रत्ते नहीं सर, नहीं रो। Thank you.
मैंने तुम्हें मना किया था फिर भी तुम बाज नहीं आते। किसे मना किया था शेखर तुमने? ओ तुम, सॉरी। मुझे मना किया था मैम साहब। ठहरो, जब तुम्हें मना किया था तो तुमने यहाँ क्यों रखा बाजा? भूल गया था मैम साहब, भूल गया था। लड़के ठहरो, सच बता क्यों रखा था बाजा? कह तो दिया मैम साहब कि मैं भूल गया था। भूल गया या भूल गई थी? चंपा, हाँ चंपा, आहिस्ता बोल। क्यों आहिस्ता बोलूं? चोरी और सीना चोरी, एक तो फ्रेंड बदल कर डाका डालने आई है, ऊपर से शोर मचाती। खैर मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं अपने शंकर को लेने आई हूँ। शंकर तेरा नहीं, मेरा है। तेरा शेखर था जो मर चुका। शेखर मर गया लेकिन मेरी मोहब्बत जिंदा रही, इसीलिए भगवान ने मुझे शेखर के रूप में शंकर को दे दिया। ये तेरी भूल है, भगवान एक का हक मार के दूसरे को कभी नहीं देता। उसकी भूली हुई याद का फायदा उठा ली, लेकिन वो तेरा कभी नहीं हो सकता। मेरे जीते जी वो किसी और का भी नहीं हो सकता। इतना घमंड? हाँ, तो फिर उसका इलाज करा और वापस ला उसकी भूली हुई याद। फिर देखो तेरा ही या मेरा। मैं इस इम्तिहान के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। ठीक 9 बजे कानून और समाज की नजरों में शंकर हमेशा के लिए शेखर हो जाएगा। नहीं समझी तो सुन ले, हम दोनों शादी कर रहे हैं। माला ने निकाल ले तो क्या हम लोग का भाला फूट गया? हाँ रानी, और उसने हम दोनों को नौकरी से पर निकाल दिया। और क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? आज और अभी अभी वो मेरे शंकर से शादी करने वाली है। शादी? हमें शादी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। मगर हम कर भी क्या सकते हैं? कर सकते हैं, बाजा बजा के। तुझे याद नहीं है जिस दिन हम दोनों नौकर हुए थे उसी रात को जब मैंने बाजा बजाया था तो वो कितना बेचैन हो गया था। कैसा बेचैन हो गया था वो? हाँ, अभी अभी माला ने बाजा बजाया तभी वो बेचैन हो गया। पर यही ठीक है, यही रास्ता अच्छा है। चल चल चल। अरे होल्डर, क्या कोई नई बात बात है? अरे यहाँ वो जग्गू तो नहीं आया था? जग्गू? अरे अब तो हम ही जग्गू है, या सब चले गए? अरे कुछ नई बात होती तो पेट में ठंडक तो पड़ जाती। कितने दिन हुए देख रहा है भगवान को। चलता है भाई, कोई बात नहीं। पर ये सारा जग्गू को क्यों ढूंढ रहा है? जग्गू भैया, जो पुलिस तुम्हारे पीछे थी जेल तोड़ के भाग आए हो क्या? मुंह खोलो, पेट फाड़ दूंगा। बात की तो तलाश थी, अब तुम कहते हो तो नहीं कहूंगा किसी से। चंपा कहाँ है? चंपा? मुझे नहीं मालूम। मैं जानता हूँ कहाँ हो सकती है। चुप, मुझे कपड़े दे बदलने को। अभी लाता हूँ। शंकर, शंकर शंकर चला गया। कहाँ गया? जाने देना, आज से सारे काम तुम्हारे मैं किया करूंगी। तो? 9 तो तुमने यही बजा दिए और ठीक 9 बजे मैंने रजिस्ट्रार को घर पे बुलवा रखा। पता है जल्दी तैयार हो जाना, कितनी देर लगा दी। और फिर तुम शेखर और मैं। तुम? मिसेस शेखर। मुझे बताना शेखर, बताना शेखर। शेखर रुक जाओ। शेखर कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ, छोड़ दो मुझे। मत जाओ शेखर, छोड़ दो मुझे जाना ही पड़ेगा। जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ पता नहीं, लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। छोड़ दो मुझे। शेखर, 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 मैं मर सकती हूँ लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। अगर तुम्हें जाना है तो मुझे मार के जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जिंदा रह सकती। शेखर नहीं जाने दूंगी तुम्हें। शेखर, 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 नहीं, नहीं, शेखर, नहीं, नहीं, शेखर, नहीं जाने दूंगी। माला
जाने दो मुझे। रुको, छोड़ दो मैं। छूटे ना अब तो सनम, लागे छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागे छूटे ना अब तो सनम, पुकारे बन के दीवाना ना माने रे जिया, तुझको पुकारे बन के दीवाना ना माने रे जिया। प्यार किया तो प्यार किया तेरी कसम, लागी छूटे ना हाय लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। खबरदार जो जग्गू, चंपा का सर गोली उड़ा दूंगा। जग्गू मैं कहता हूँ मेरे पीछे मत आ, आगे आया तो गोली मार दूंगा। मैं कहता हूँ आगे मत दौड़। तेरा किस्सा खत्म किया था।
शंकर हो तू? तू शंकर? अच्छा तो ना शंकर? तू समझागा तो बच जाएगा, अब मार डालूंगा तुझे। शंकर तो भी आ गया मलने। तुम लोग कौन हो सब लोग? मैं रानी हूँ राजा। हाँ राजा, तेरी रानी। हाँ। रानी? हाँ। राजा, ये क्या मामला है? शंकर, इसका तो भेजा गया। शंकर, अगर इसका भेजा वापस नहीं आया तो मेरा क्या होगा? अरे कैसे वापस नहीं आएगा, मैं दुनिया भर के डॉक्टर इकट्ठे कर दूंगा। ग्रैंडफादर बोले तो क्या? अरे बाप का बाप पांड्या। नो,